हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइटकुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि पीरियड्स के टाइम पे जो ब्लड लॉस होता है, तो वो जो ब्लड का कलर होता है, अलग अलग तरीके के कलर का ब्लड लॉस होता है हमें, तो वो पर्टिकुलरली जो कलर्स होते हैं वो एक्चुअली क्या इंडिकेट करते हैं। अगर हम हमारे ब्लड के कलर को सही ढंग से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमको ये पता चल सकता है कि हमारे हार्मोन्स जो हैं वो उसमें से कौन सा हार्मोन हमारा ऊपर है और कौन सा हार्मोन हमारा नीचे है। हम इवन ये तक हमारे जो ब्लड के कलर होते हैं उसके थ्रू गेस कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि पीरियड के टाइम पर जो ब्लड होता है वो ब्लड के कलर से हम ये कैसे पता कर पाए कि हम हेल्दी हैं कि नहीं, और हमारे बॉडी में कौन से हार्मोन्स अप हैं और कौन से हार्मोन्स डाउन हैं। जो सबसे पहला कलर है, ब्राइट रेड कलर। अगर पीरियड्स के टाइम पे जो ब्लड लॉस हो रहा है वो ब्लड का कलर अगर ब्राइट रेड कलर का है तो वो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो पीरियड है वो रेगुलर पीरियड है और ये हेल्दी पीरियड्स में गिना जाता है। ब्राइट रेड कलर एक तरीके से ये भी इंडिकेट करता है कि ये जो है ये फ्रेश ब्लड है। तो अगर ब्राइट रेड कलर का पीरियड अगर किसी को हो रहा है तो वो ये बता रहा है कि उनका जो पीरियड है वह हेल्दी पीरियड है और साथ ही साथ उनका पीरियड भी रेगुलर है। जो नेक्स्ट कलर है वो है पिंकिश कलर। अगर पीरियड के टाइम पे जो ब्लड फ्लो हो रहा है उस ब्लड का कलर अगर मान लीजिए पिंकिश कलर का है तो वो ये इंडिकेट करता है कि उनके बॉडी में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल कम है, और साथ ही साथ देखिएगा कि उनको जो ब्लड का फ्लो होता है वो भी बहुत हल्का रहता है। बिकॉज ईस्ट्रोजन हार्मोन अगर आपका बॉडी में अच्छा रहेगा तभी आपकी जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो थिक हो पाती है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन भी बैलेंस्ड अमाउंट में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइजेस करते हैं तो उस मोमेंट में भी कई बार होता है कि हमारा जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से भी पिंकिश ब्लड फ्लो होता है या फिर लाइट ब्लड फ्लो होता है। जो नेक्स्ट कलर है वो है थिक रेड कलर। जिनको भी पीरियड्स के टाइम पे जो ब्लड फ्लो होता है अगर वो थिक रेड कलर का है तो वो ये इंडिकेट करता है कि उनके बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल जो है वो बढ़ी हुई है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जब बढ़ता है तब उस मोमेंट पे एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो भी थिक होना शुरू होती है। इसके कारण से एक तो उनका जो पीरियड का जो ब्लड होता है उसका कलर एक तो थिक रेड कलर रहता है, और साथ ही साथ उनको जो पीरियड का जो फ्लो रहता है वो भी ज़्यादा रहता है और पीरियड भी लंबे समय तक रहता है। अगर बॉडी में एक हार्मोन बढ़ा हुआ है तो दूसरा हार्मोन ऑटोमेटिकली कम होगा। अगर ईस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है तो प्रोजेस्टेरोन ऑटोमेटिकली कम होगा। यह जनरली हार्मोन इम्बैलेंस के कारण होता है। तो अगर किसी को थिक रेड कलर का अगर उनको पीरियड के टाइम पर ब्लड फ्लो होता है तो वो ये साफ इंडिकेट करता है कि उनके बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल बढ़ी हुई है। जो नेक्स्ट कलर है वो है वाटरी कलर। अगर मान लीजिए कि पीरियड्स के टाइम पे आपको वाटरी टाइप से ब्लड फ्लो हो रहा है तो ये साफ इंडिकेट करता है कि आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, खासकर एनेमिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप अगर ये नोटिस करिए, ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगातार 3 से लेकर 4 महीने तक आपको पीरियड में जो फ्लो है वो वाटरी टाइप का फ्लो हो रहा है तो उस मोमेंट पे आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और उनसे कंसल्ट करने के बाद वो जो भी ट्रीटमेंट देते हैं आप उसको ज़रूर फॉलो करिए। बिकॉज हीमोग्लोबिन कम होने के कारण से भी इस टाइप के जो ब्लड फ्लो होते हैं वो होने के चांसेस बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट कलर है, इसमें अगर किसी को पीरियड्स के टाइम पे जो ब्लड फ्लो है उसमें ग्रे और रेड कलर दोनों मिक्स होकर अगर उनको ब्लड फ्लो हो रहा है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जनरली इन्फेक्शंस को इंडिकेट करता है। ये बहुत ही रेयर होता है एक्चुअली, लेकिन अगर आपको इस तरीके का कुछ ब्लड फ्लो दिख रहा है तो आप उस मोमेंट पर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। जो नेक्स्ट कलर है वो है ब्राउन, या ब्लड फ्लो होना ड्यूरिंग पीरियड के टाइम पर। ब्राउन कलर ये इंडिकेट करता है कि जो ब्लड है वो काफ़ी पुराना ब्लड है। ये आपको शायद हो सकता है कि पीरियड की शुरुआत में आपको इस तरीके का ब्लड फ्लो देखने को मिले, या तो हो सकता है कि पीरियड ख़त्म होते टाइम पे आपको इस तरीके का ब्लड फ्लो देखने को मिले। तो ये जनरली इंडिकेट करता है कि ये जो ब्लड है ये थोड़ा पुराना ब्लड है। कई बार ब्राउन कलर की स्पॉटिंग पीरियड्स के पहले भी होती है, तो ये इंडिकेट करता है कुछ लोगों में इम्प्लांटेशन प्रोसेस को। लेकिन अगर अर्ली प्रेगनेंसी में आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म है और उसके साथ ही साथ आपको ब्राउन कलर की ब्लीडिंग लगातार हो रही है तो आप जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो यही कुछ कलर्स थे जनरली पीरियड्स के टाइम पे जो ब्लड फ्लो होता है इन्हीं कुछ खास कलर्स में होता है। अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मेलिटीज़ दिखती है अपने पीरियड के कलर्स में तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।